दुश्मनों का नाश करने के लिए। गर्दन काट दूंगा तेरी। कोई कैसे किसी को कह सकता है कि तेरी गर्दन काट दूंगा? कोई कैसे किसी दूसरे की जिंदगी खत्म करने की बात कह सकता है? लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह सकते हैं, वो कह सकते हैं और चिल्ला चिल्ला करके कह सकते हैं, वो धमकी देकर कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री है ना, वो हरियाणा के माई बाप हैं, वो कह सकते हैं, वो हाथ में फरसा लेकर जब चाहे किसी की गर्दन उड़ा देने की बात कह सकते हैं। यकीन नहीं आता तो आप भी सुन लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए गर्दन काट दूंगा तेरी। अगर अब भी यकीन नहीं आया तो फिर सुन लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए गर्दन काट दूंगा तेरी। मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में फरसा लिए खड़े हैं। फरसा लिए मनोहर लाल खट्टर जनता से कहते हैं कि फरसा दुश्मनों का नाश करने के लिए है। इस बीच पीछे खड़े बीजेपी के एक नेता मनोहर लाल खट्टर को पारंपरिक टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम साहब को ये पसंद नहीं आया। बीजेपी नेता ने जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को टोपी पहनाई, सीएम ने गुस्से में बीजेपी नेता को गर्दन काटने की धमकी दे डाली। मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो पिछले दिनों संपन्न हुई जन आशीर्वाद यात्रा का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, साथ ही खट्टर पर तंज कसते हुए कहा है, गुस्सा और अहंकार सेहत के लिए हानिकारक हैं। खट्टर साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है? फरसा लेकर अपने ही नेता से कहते हैं, गर्दन काट दूंगा तेरी, फिर जनता के साथ क्या करोगे? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब खट्टर ने अपना आपा खोया हो। इससे पहले करनाल में खट्टर एक कार्यक्रम में जनता पर फूल बरसा रहे थे। इस दौरान उनके पास खड़े युवक ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो युवक के फोन को उठाकर फेंक दिया, उसे धक्का देकर फटकार लगाने लगे। इसी साल फरवरी के महीने में एक बुजुर्ग दंपत्ति पर आपा खो दिया था और उन पर चिल्लाने लगे थे। दंपत्ति 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित अपनी शिकायतों के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। वहीं अब खट्टर साहब की गर्दन काटने वाली वीडियो पर सफाई आई है। सफाई में कहा है, हमने 5 साल मेहनत करके नई संस्कृति को जन्म दिया है। पहले चांदी के मुकुट और सोने के मुकुट की रीत चल रही थी, हमने इसे बेरहमी से बंद किया था। आज भी कोई व्यक्ति, खासकर मेरा कार्यकर्ता, मुझे जानकारी दिए बिना मेरे सिर पर मुकुट पहनाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा। वैसे खट्टर साहब, गुस्सा थोड़ा कम किया करिए, क्योंकि इतना क्रोध और अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबता है, और आप तो वैसे भी मोदी के नाम पर जीत कर आए हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।